आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उनको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स है और इसके बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमें दिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम रूल समझने की कोशिश करते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं फॉर ईजी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो देखिए, ये कोई नंबर होगा, उसमें यहाँ पे हम रिमाइंडर इनटू मोड मोड और यहाँ पे होगा डिवाइजर। ओके, डिवाइजर डिवाइजर। ओके, तो देखिए ये बेसिकली हम वर्चुअल कैलकुलेटर से भी ट्राई करेंगे सोल्व करने का डिफरेंट तरीके से। इसे हम क्वेश्चंस को दो तरीकों से सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो जो पहला हमारा मेथड होगा वो होगा जिनमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और जो दूसरा हमारे पास मेथड होगा जो हम इसको कवर करने का कोशिश करेंगे जिनमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है, विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर। ओके, तो देखिए जैसे गेट हो गया, बार्क हो गया, इन एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है तो आप आसानी से लेस देन 15 सेकंड में आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और लाइक ESE एंड अदर PSU एग्जामिनेशंस और अदर एग्जामिनेशन आपको क्या करना पड़ता है, विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ता है। तो उसमें आपको बेसिक स्टेप वाइज चलना है। ओके, तो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो आप किसी भी नंबर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर एन कन्वीनियंस हम समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल लेके, तो जो एग्जाम्पल हम लेंगे उस हिसाब से आप देखिए कि एक नंबर है अगर 18, ओके, एक नंबर है 18, अगर उसमें हम कितना डिवाइड करें, अगर 9 डिवाइड करें तो आपको पता है कि कितना आएगा, 72, एंड देन तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, अगर कोई नंबर 80 है इसमें मोड हमने डिवाइड किया क्या 9, तो जो रिमाइंडर है वो कितना 72 टाइम यानी कि 8 बच जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास दो कौन से तरीके हैं सोल्व करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट है हम विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर, जो फर्स्ट मेथड हम समझेंगे वो समझेंगे विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर। ओके, विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद वर्चुअल कैलकुलेटर। ओके, ठीक है, तो देखिए दो हम तरीके हैं हमारे पास, दोनों को हम समझने का ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर, तो सिंपलीफाई है ये, तो एक इजी प्रॉब्लम है, तो आप आसानी से बता देंगे कि जब 8 में हम 9 का डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, 72 टाइम तो जा रहा था पूरा, ठीक है, और जो रिमाइंडर बच रहा था वो 8, तो जो हमारे पास क्या होगा कि इसका किस फॉर्म में लिखेंगे हम, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 8। ओके, अगर अब हमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है तो हम वर्चुअल कैलकुलेटर से इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जो ये मोड वाला की है आपको दिख रहा होगा, तो जो ये मोड वाला पैटर्न है इसको आपको यूज करना है, इस कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है कि जो भी नंबर है जैसे 80 है तो आप 80 टाइप करोगे, ठीक है, देन उसमें मोड टाइप करोगे, मोड कीवर्ड दबाओगे, एंड उसके बाद जिससे भी आपको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया है, ओके, तो जो आंसर आएगा वो होगा रिमाइंडर। ओके, तो देख लीजिए अब, तो हमने क्या किया, तो ये देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है, दैट्स वाई हमें क्या करना है वर्चुअल कैलकुलेटर में यहाँ पे मोड कीवर्ड का यूज करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई लेस देन कितनी भी बड़ी, ये तो बहुत इजी एग्जांपल था जो बहुत आसान बहुत जल्दी सोल्व हो गया है, लेकिन अगर हमें पावर्स की फॉर्म में हो जैसे हम आगे देखेंगे तो वो उस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें जल्दी से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल सीखने का ट्राई करते हैं इसके, ठीक है। तो जो रूल्स है वो सब जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे वो इसी जो ये आपको फॉर्म दिख रही है इसी फॉर्म में हम समझने का ट्राई करेंगे जितने भी रूल है हमारे, ठीक है। अब जो पहला रूल है जो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं वो है कि आपको ये याद रखना है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो रूल्स है उससे क्या हमें कन्वीनियंस हो जाती है समझने के लिए। तो जो पहला रूल है वो है, आप देखिए हमें ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर है नेचुरल नंबर ए और बी उसका रिमाइंडर है और ए को हमने सी से डिवाइड किया है डीवी, ओके, एंड सिमिलरली एक डी है नंबर है उसको अगर हमने रिमाइंडर ई है जब हमने उसे भी मोड सी से मतलब डिवाइड किया, सिमिलरली अगर एफ एक नंबर है जिसमें रिमाइंडर जी है जब हमने उसको
सी से डिवाइड किया। ये जो है वो आपको डिवीजर दिख रहा है, ये एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, ये जो है वो है डिवीजर डिवाइजर, ये जो है वो है आपका नंबर, और ये है वो है रिमाइंडर। ओके, ये आपको याद रखना है, ये डिवीजर डिवाइजर रिमाइंडर एंड नंबर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर इन तीनों नेचुरल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और ये है वो है रिमाइंडर। ओके, ये आपको याद रखना है, ये डिवीजर डिवाइजर रिमाइंडर एंड नंबर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर इन तीनों नेचुरल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये नंबर है पर्टिकुलरली, और सेम अगर सेम ही उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम उससे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि अगर आप a इंटू डी इंटू एफ यानी तीनों नेचुरल नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सेम c से आप डिवाइड करते हैं, तो जो आपके पास यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर आपके पास इन तीनों का मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, इन तीनों का मल्टीप्लाई वो रिमाइंडर आपको दिखेगा, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि अगर वो नंबर C से यानी कि B into E into G वो आपका C से कम होना चाहिए। ओके, अगर C से ज़्यादा होगा लाइक दैट, अगर C है 15 और ये मल्टीपल होकर आ रहा है 30, तो हम वापस इसमें डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल आपको ये समझना है, हमने कुछ नहीं देखा, देखिए आप फर्स्ट एक कोई नंबर है A जिसमें हमें C से अगर डिवाइड किया तो हमें B रिमाइंडर मिला, सिमिलरली D नंबर है जिसमें हमें E से डिवाइड करा, C से डिवाइड किया तो हमें E मिला, सिमिलरली एक F नंबर है जिसमें हम C से डिवाइड किया तो हमें G मिला। इन तीनों नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं इनके पहले वाले केसेस में उनके भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस एक चीज़ होनी चाहिए कि वो C से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, जिससे इस तरीके के हम एक एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं जिसको हम दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। एक तो हमने जो भी दोनों मेथड सीखे हैं विदाउट कैलकुलेटर और विद कैलकुलेटर। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं, इस रूल को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे वो है, पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है, देखिए एक 1421 into 1423 into 1425। ठीक है, अगर इसमें आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आता है? ठीक है, रिमाइंडर आपको चेक करना है, रिमाइंडर की वैल्यू। ओके, आपको रिमाइंडर की वैल्यू जो आती है वो बतानी है। ठीक है, अब देखिए एक, अब आप क्या कर सकते हैं कि दो मेथड है आपके पास, वापस हम दोनों मेथड को लेते हुए चलेंगे। फर्स्ट है विद कैलकुलेटर, विथ कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर। ओके, विदाउट कैलकुलेटर। ओके, तो देखिए अब अगर हम दोनों तरीके से हम इनको समझने का ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट जो हम समझेंगे विदाउट कैलकुलेटर, तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप क्या करेंगे कि 1421 से चेक करेंगे, 1421 एक नेचुरल नंबर है जिसमें आप डिवाइड करेंगे 12 का तो आपको मिलेगा रिमाइंडर कितना मिलता है वो आप चेक करेंगे, तो 1421 में आप 12 का डिवाइड करके देखिएगा आपको रिमाइंडर मिलेगा 5। सिमिलरली जब आप 1423 करोगे तो 12 से तो कम ही है, तो आप सिमिलरली एक का चेक करके आप इजीली, बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 7 होगा क्योंकि 12 से छोटा ही है वो, 23 केवल 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 7 मोड और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ओके, सिमिलरली अगर आप 1425 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 मोड, ठीक है 9 मोड, यहाँ पे 12। ओके, तो देखिए अब अगर आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई में हमें 12 से डिवाइड करके पूछा है, तो देखिए 1421 into 1423 into 1425 डिवाइड बाय 12, इसका मैं रिमाइंडर पूछा है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमने केस पढ़ा था पहले वाला। ठीक है, तो देखिए पहले ये वाला हम बाद में समझेंगे, यहीं पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेकेंड वाले मेथड को। तो देखिए अब इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास क्या करेंगे, हमसे ये पूछा है तो ये किसके इक्वल होगा, जो पहले हमारे रिमाइंडर आ रहे थे उनके इक्वल 5, 7 into 9। ओके, लेकिन 5, 7 into 9 का जो मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 315। ओके, 315
315, लेकिन हमने जो केस पढ़ा था वो क्या था कि जो रिमाइंडर का जो मल्टीप्लाई होता है वो उस जो डिवाइजर है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिवाइजर से लेकिन ज़्यादा है, तो हम इसमें डिवाइजर का वापस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो आता है हमारे पास 3, ओके। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया, जो आप बेसिकली आपने हमने जो प्रोसीजर यूज किया है वो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था 1421 1421 1423 1425 में 12 से हमें डिवाइड करना था और देन हमें रिमाइंडर की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो हमने जो विदाउट कैलकुलेटर वाला प्रोसीजर यूज किया उसमें हमने क्या किया कि हर पर्टिकुलर एक नंबर को जो हमने फॉर्मूला फॉर्म पढ़ी थी उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए 1421 में जब आप डिवाइड करेंगे 12 का तो हमें पता लग जाएगा कि 5 है, तो 1423 में जस्ट 1422 एंड नेक्स्ट इज 1423, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा ओनली। तो क्या होगा कि जो 12 में जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 7 होगा, क्योंकि 12 से तो कम ही आ रहा है वो। तो ऐसे ही 1425 में अगेन 2 का इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। तो 9, अब हमने जो रूल पढ़ा था उसमें क्या कर रहा था कि अगर हम इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके रिमाइंडर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बशर्ते कि उनमें जो डिवीजर है उससे ये कम होना चाहिए, ओके, डिवाइजर से ये कम होना चाहिए। तो हमने जब किया तो 315 हमारे पास आया और ये 12 आया, ओके। तो 315 में जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर जो हमारे पास आया वो है 3, ठीक है। अब ये तो हमारे पास जो मेथड हो गया वो हो गया विदाउट कैलकुलेटर, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, जो कि जिनमें कैलकुलेटर हमें अवेलेबल है हमें उसमें इसको अपनाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम सिंपल कैलकुलेटर से इसको सोल्व करने के लिए कीवर्ड्स का यूज करेंगे। तो जो सेकंड मेथड है वो हम पढ़ेंगे विद कैलकुलेटर, ओके। सेकंड मेथड है वो हम पढ़ेंगे विद कैलकुलेटर, ओके, ठीक है। तो देखिए विद कैलकुलेटर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप कैलसी से सीखने का ट्राई कीजिए। तो हमने क्या किया, सी दबाया। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे ऊपर, आपको ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, तो उसमें देखिए 1421 1423 1425 में आपको 12 से डिवाइड करना है। तो आप क्या और रिमाइंडर चेक करना है, तो रिमाइंडर के लिए जो कीवर्ड है वो हम मैंने आपको पहले ही बताया, वो है मोड, ओके। ये जो मोड दिख रहा है आपको ये है, ठीक है। अब देखिए हम क्या टाइप करेंगे, 1421 1423 1425, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 12 का डिवाइड करना है, तो आप क्या मोड दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 12 से इसको टाइप कर देंगे, ओके। देन देखेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आया है, ठीक है। तो लेस देन 15 सेकंड में, ये आपको समझाने में थोड़ा प्रोसीजर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लेस देन 15 सेकंड में आपको इनका आंसर मिल जाएगा, रिमाइंडर 3 जो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था। देख पा रहे हैं अब, ठीक है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, 1421 1423 1425 ये आपके पास ये आया, फिर हमने मोड़ लिया एंड 12, ओके, 3 रिमाइंडर। तो बहुत आसान है विद हेल्प ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, ओके, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल समझ। तो जो सेकंड रूल है उसमें हमें क्या करना है कि रूल सेकंड, फर्स्ट रूल आपको याद हो चुका होगा, तो सेकंड रूल हम समझने का ट्राई करते हैं। तो सेकंड रूल में आपको ये याद रखें कि अगर ए एक नंबर है जिसमें अगर हम सी से डिवाइड करें तो हमें बी रिमाइंडर मिलता है, ओके, हमें बी रिमाइंडर मिलता है, ओके। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, इस नंबर की पावर कुछ लगा देते हैं, नेचुरल नंबर कुछ पावर लगा देते हैं, तो जो रिमाइंडर होगा और उसको सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा उसकी पावर भी एन हो जाएगी। बस इसमें भी वही शर्त है कि जो बी एन जो आता है हमारे पास उसकी वैल्यू सी से कम होनी चाहिए, ओके। बी एन की वैल्यू सी से कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा आएगी तो हम क्या करेंगे, सी से अगेन इसमें डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो हम नोट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर ए है जिसमें हम सी से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो अगर बी आ रहा है, तो अगर हमें उसी नंबर का जैसे ए की पावर एन की फॉर्म में दिया हो जाएगा, कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको ऐसे वर्कबुक वगैरह में, कहीं पे भी कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है। तो जो ए की पावर अगर हम नेचुरल नंबर की पावर एन करके उसमें हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा उसकी की पावर भी एन हो जाएगी, बशर्ते कि जो बी एन है वो सी से कम होना चाहिए, ओके। तो आपको अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का ट्राई कीजिए। आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर कि आपको 200 की पावर 2 की पावर 600 में अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर बताना है, ओके।
तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आप इसको किस तरीके से सोल्व करें, क्योंकि जब तक आपको मेथड पता नहीं है आपके लिए, आप कर तो लेंगे लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट जे हमें 2 की पावर ऐसे कन्वर्ट करके देखना है कि जो हम पहले विदाउट कैलकुलेटर वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ओके, विदाउट कैलकुलेटर, ओके। तो जो विदाउट कैलकुलेटर वाला मेथड है उसको हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि देखेंगे कि नीचे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ओके, नीचे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 15 से, ये 15 से डिवाइड हो रहा है, ओके। तो आप क्या करेंगे कि जो 2 की पावर है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए कि जिससे कि वो 15 से जस्ट बड़ा बने, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, ओके। जब हम 2 की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 16, ओके। देखिए, तो अगर हम 16 में अगर हम 15 का डिवाइड करते हैं, 15 का डिवाइड करते हैं जो डिवीजर है, तो इससे हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1, ओके। अब देखिए ये कैसी कंडीशन बन गई, इसमें जो कंडीशन बनी है वो किस तरीके से कंडीशन बन गई है, जो हमने लास्ट केस पढ़ा था, ए की पावर एन, सिंपल ए मान लीजिए, या फिर एक ए इज इक्वल टू बी मोड सी, ओके। तो यहाँ पे जो ए है वो 2 की पावर 4 है, जो बी है वो 1 है, एंड जो सी है इसकी वो है 15, ओके। तो हमने जो रूल पढ़ा था उसके हिसाब से क्या होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन बी की पावर एन मोड सी, लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 की पावर 4 है लेकिन हमें 2 की पावर 600 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाँ, 2 की पावर 4 को अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं कि 150, तो क्या आ जाएगा, देन हमें ये भी याद रखना है कि जब हम ए की पावर एन करते हैं तो यहाँ पे ए था और 2 की पावर 4 था, तो यहाँ पे 150 आ रहा है, तो हम बी जो रिमाइंडर यहाँ पे 1 था उसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 150, ओके, और मोड सी। अब देखिए, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो जो आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, रिमाइंडर जो मिला आपको वो कितना आ गया है, 1, ओके। तो जो आपका इसका आंसर है वो कितना आ गया है, 1, आपको मिला है 1 रिमाइंडर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व हुई, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। अब हम इसे सिमिलर प्रॉब्लम हमको हम समझेंगे विद कैलकुलेटर, ओके। तो विद कैलकुलेटर हम चलते हैं, जो कि हमें गेट जैसे एग्जाम और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो देखो अभी हमारा 1 आया था, तो उस तरीके से भी हमारा 1 ही आना चाहिए, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई कीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ईजी, जस्ट 15 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, 2 की जो पावर है वो लगाएंगे कितनी, 600, ओके, 600, इसमें आपको क्या करना है, मोड, देन नीचे जो नंबर है वो कितना है, 15, ओके, तो 15, 1, रिमाइंडर 1, ओके, क्रॉस चेक भी हो गया आपका। तो इसको सोल्व करने में गेट जैसे एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा, जनरली जैसे गेट हो गया, बार्क हो गया, इनमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, तो आजकल एसएससी के काफ़ी एग्जाम में प्रोवाइड होने लग गया, तो आप उनमें भी आपको ईजिली आपको रिमाइंडर आप चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, और अगर विदाउट वर्चुअल कैलकुलेटर भी आप चेक कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अगर 4 की पावर 180 में आप 13 का डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर बताना है, ओके। आप दोनों तरीके से करके बताइएगा, कमेंट में उनका आंसर डालिए, ठीक है। देन सेकंड वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से करिएगा, आपको लेस देन 15 सेकंड हो गया, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। देन आप चेक कर सकते हैं कि 15 की पावर अगर 15 की पावर 15 में अगर आपसे 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए, ओके। इन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट में इनकी आंसर डालिए। और अगले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कैलेंडर, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से विद हेल्प ऑफ ट्रिक्स बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।